presented by Signature Global City 37D Independent Premium Floors Sector 37D Gurugram. Co-powered by Rakesh Masale. Asli swad baantne se badhta hai. विश्वभाई विधानसभा चोणां लई भाजपा ने जारी किया चोण मनोरथ पत्र। सरकार बनन ते पंजाब दे बुनियादी ढांचे च 1 लाख करोड़ खर्च किए जाने का किया वादा। तो बेरोजगार नौजवानों 4,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने की कही गल। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना बहुचर्चित पंजाब मॉडल किया जारी। पंजाब मॉडल च सिक्ख्या ते सेहत सने 13 नुकाती एजेंडे का किया जिक्र। पंजाब मॉडल नूं श्री गुरु नानक देव जी की विचारधारा तो दस्या प्रेरित। भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा ने पंजाब के बलाचौर च पखाया चोण माहौल। प्रधानमंत्री नूं दस्या विकास का प्रतीक। 1984 सिख विरोधी दंगिया नूं लैके कांग्रेस से भी साधे निशाने। कहा सिखां दे खून नाल रंगे ने कांग्रेस के हाथ। अमृतसर पूर्वी च चोण प्रचार दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया ने वल्ला सब्जी मंडी का किया दौरा। मंडी के हालातों को लेकर मजीठिया ने सिद्धू से साध्या निशाना। कहा पंजाब मॉडल नाल सूबे नूं सुधारन की गल करते हैं सिद्धू, पर पंजाब मॉडल नाल अपने हल्के का ना कर सके सुधार। कांग्रेस छड़ 6 दिन भाजपा च बिताउण मगरों मुड़ कांग्रेस च वापसी करन वाले कांग्रेसी विधायक बलविंदर सिंह लाडी मुड़ कांग्रेस छड़ भाजपा च होए शामिल। भाजपा के जनरल सकत्तर की मौजूदगी च होए शामिल। भाजपा वल्लों पंजाबी फिल्म ते संगीत जगत दीआं नामी हस्तियां नूं अपने नाल जोड़न दा सिलसिला जारी। कदे आम आदमी पार्टी दा हिस्सा रहे पंजाबी गायक जस्सी जसराज भाजपा दे कौमी प्रधान JP नड्डा की मौजूदगी च पार्टी च होए शामिल। सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब विशेष पंजाब दीआं चोणवीआं ते विशेष खबरां दा जिक्र करांगे। सो शुरुआत करांगे, गल करांगे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी, जिन्हां ने चमकौर साहिब हल्के दे विच चोण प्रचार किया और लोगों ने भी इस मौके चरणजीत सिंह चन्नी उन्हां दा खुल के स्वागत किया। CM चन्नी इस मौके बुलेट ते चोण प्रचार करते हुए नज़र आए। जी हाँ, मोटरसाइकिल बुलेट के उपर चोण प्रचार करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि CM चन्नी ने मसले हल करन दा भी जिहड़ा उह भरोसा दिता है। तो गल करांगे हुण पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दी, जिन्हां ने अज अपना बहुत चर्चित पंजाब मॉडल है जिहड़ा वो लॉन्च कर दिता और पंजाब मॉडल नूं माफिया का खात्मा दस रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू। जी हाँ, पंजाब मॉडल नूं जिहड़ा माफिया का खात्मा कर रहे ने। जिक्रयोग है कि 13 नुकाती एजेंडा जिहड़ा इस पंजाब मॉडल दे विच दर्शाया गया, 13 नुकते ने 13 पॉइंट्स ने जिहड़ा उन्हां दा जिक्र किया गया और नाल दी नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल नूं श्री गुरु नानक देव जी की विचारधारा तो प्रेरित भी कह रहे ने कि श्री गुरु नानक देव जी की विचारधारा तो प्रेरित है और नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, जिस दे विच सरबत का भला होवे उस चीज़ तो जिहड़ा ये पंजाब मॉडल भी प्रेरित है, भाव के सारे जिहड़े वर्गां दा भला इस दे विच हैगा, इस चीज़ का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू। 13 नुकाती एजेंडे का जिक्र कर रहे हैं जिस दे विच सेहत जिहड़ी है, सिक्ख्या हैगी है, इस दे नाल महिला शक्तिकरण जिहड़ा हैगा और होर भी डिजिटल पंजाब का जिक्र कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। तकरीबन 13 पॉइंट पूरे 13 पॉइंट्स ने जिहड़े उन्हां दे उपर जोर दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू अपने पंजाब मॉडल विच।
तो गल हुण श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी करांगे जो कि जलालाबाद पहुंचे और डबवाला कलां दी दाणा मंडी दे विच उन्हां ने चोण प्रचार किया। सुखबीर सिंह बादल ने विरोधी पार्टियां ते भी जम के निशाने साधे ते कहा कि श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बनन ते सूबे दे विच विकास करांगे। पहले तां खजाने दा तां अद्धी चाबी सी, हुण तां पूरी चाबी है। नजारा आजू तुहानूं सारयां नूं। बोलो साध्यां, तुसीं जाणदे हो जो जवान मैं थोनू करती सी मैं पूरी की है कि नहीं, दसो। हुण मैं थोनू दसण वाला, एक तां अपने इन्हां पिंडां विच कोई पिंड वाला यह नहीं कहूगा साडा टेल है। जिथे पाइपां दी लोड है पाइपां लिया के पानी पावांगे, जिथे खाले पक्के करने खाले पक्के करांगे। जिथे नहरां कड्ढण दी लोड है भावें 10 करा लियो, सरकार थोड़ी है। थोड़े पिंडां विच गरीब जनता वास्ते हर एक दो पिंड वार एक वधिया मैरिज प्लेलिस्ट बना के देवांगे, मुफ्त ब्याह जो मर्जी करो। ते इत्थे अरनी वाला विच इक बहुत वड्डा स्टेडियम बना के देवांगे जिवें जलाबा बनाया। बोलो ईसान हास, कबड्डी दे मैच करावांगे अरनी वाला। थोड़े मैं हुण की करन लग्या, जिहड़े सरकारी स्कूल है आ दो दो चार चार कमरे वाले काम फेल है। हुण मैं की करूंगा, हर 5-7 पिंडां दे अंदर एक 10 एकड़ दा 5000 बच्चे दा वड्डा स्कूल सरकारी, जिथे सारे क्लासां होणगीआं, कंप्यूटर होणगे, लैबोरेटरी होणगीआं। 100 टीचर एक स्कूल छऊगा, क्यों 50 बच्चे मगर एक टीचर रहिंदा। उहनां दे मकान भी इत्थे होणगे। असली पढ़ाई जलालाबाद हल्के तकरीबन 15 ऐसे स्कूल बना देने हैं। ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਝਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜੋ ਕੇਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 102 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। 5-7 ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਛੇ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਆਪਦਾ ਪੀ ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪੀ ਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਖਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਪੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਾਡਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ
बहुत देर दे मेरे पिछे काफले दे विच घूम रहे हो, शायद तुहानू मेरे नालों भी ज़्यादा कैमरिया दे विच कैद लोगों दी भावनावां होणगियां। अपने आप आए ने, कोई दिहाड़ी दे के नहीं बुलाया, कोई लालच दे के नहीं बुलाया। हाँ, कईयों नूं ये भी नहीं पता कि मैं अज आउणा है। सो इलैक्शन कमीशन दीआं गाइडलाइनां मुताबक असीं एक दिन पहले ही पा सकते हैं कि कल नूं धूरी जावांगे। कल मैं माझे सीगा, अज मैं धूरी च हाँ। धूरी वाले तो मैनू यही कहिंदे ने, कहिंदे वी तुसीं इत्थे ना आयो, तुसीं बाकी पंजाब सांभ लो, धूरी असीं आप ही सांभ लां। आ गल धूरी वाले कहिंदे ने। एक दो अफवाह फैलाईया जा रही ने, फेक न्यूज बना के जे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार आ गई 10 साल पुरानिया गड्डिया बंद कर देंगे, बिल्कुल गलत फेक न्यूज़ है। असी क्यों गड्डिया बंद करा, दिल्ली 15 साल नहीं चल रही कोई ऐसी गल। मानसा एक चन्नी साहब ने स्टेटमेंट दी है, कहते भी अरविंद केजरीवाल की वाइफ इस गल करके आए क्योंकि सीएम की कुर्सी पर हाथ है उन्होंने। चन्नी साहब आपकी कुर्सी बचा लैन, ठीक है ना, भदौड़ तो भी हार रहे, चमकौर तो भी हार रहे, और होर देखो बादलों के टब्बर चो 5 बंदे लड़ रहे हैं। बादल साहब, उन्होंने मुंडा सुखबीर, वह साला मजीठिया, वोदी साले हार गुनीत कौर मजीठे तो प्रौना उतों पट्टी तो। और मैं अज तुहानू तुहाडे सामने कहना, सूरज मत्थे लगता है, मैं झूठ नहीं बोलता, बत्ती लंद रहे, 5 दे 5 हारनगे। सो गल हुण भाजपा प्रधान जे पी नड्डा की करांगे, जिन्हां ने बलाचौर च रैली नूं संबोधन किया, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस नूं निशाने ते लैंदिआं कहा कि 1984 दे दिल्ली दंगिआं दौरान कांग्रेसी आगू कहा करदे सी कि जदों वड्डा दरख्त डिगदा है तां धरती हिल जांदी है, तां उत्थे ही कांग्रेस दे हत्थ ने जिहड़े ओह खून दे नाल रंगे होए ने। इस चीज़ का जिक्र किया जे पी नड्डा ने, उन्होंने अजिही स्थिति लिआंदी जिथे सिख भैण भरावां नूं मारिआ गिआ ते हुण जिहड़ी कांग्रेस आ पंजाबियों तो वोट की मंग कर रही है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग भाजपा नूं विकास का एक मौका जरूर देण, ते भाजपा गुजरात यूपी की ही तर्ज ते पंजाब च भी विकास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अतवाद खत्म करने लई पंजाब च कमल का फुल खड़ाउणा जरूरी है। पंजाब के बारे में और सिखों के बारे में भी, सिख भाइयों के बारे में भी सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कभी भी किसी ने सिखी के लिए भी, हिंदू सिख भाईचारे के लिए भी और किसानों के लिए भी कभी किसी ने इतना ज्यादा नहीं किया जितना कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह आपको ध्यान और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आप बताइए पंजाब अमृतसर हरमंदिर साहब के लिए जाना जाता है, हम सब लोग जब जाते हैं तो अपना शीश झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में हमारे पंजाबी भाई, पंजाब के नौजवान, हमारे सिख भाई दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा हरमंदिर साहब को मत्था टेकते हैं, लेकिन हरमंदिर साहब ने चढ़त चढ़ाने के लिए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए विदेश से अरदास करते हुए वहां कॉन्ट्रीब्यूशन करने की व्यवस्था नहीं की। मोदी जी ने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन डेवलप एक्ट के तहत हामी भरी और आज दुनिया भर के सिख भाई हिंदू भाई आज हरमंदिर साहब में अपनी चढ़त भेज सकते हैं। यह परिस्थिति क्या इसके पहले सिख नेता नहीं हुए जो दिल्ली दरबार पहुंचे? क्या इससे पहले कोई पंजाब का नेता नहीं हुआ जिसने दिल्ली दरबार में राज किया? लेकिन नहीं, इंतजार करना पड़ा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जिसने यह सुविधा पंजाब को दी, ये भी हमको ध्यान रखना।
सो खबर हुण अरविंद केजरीवाल उन्होंने लवेंगे जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से वड्डा शो जिहड़ा उसका आयोजन करन की गल कही है और बाबा साहेब के जीवन से दिल्ली सरकार है जिहड़ी 25 फरवरी तो 12 मार्च तक जिहड़ा वो नाटक भी खेडे जाणगे ते इस दे नाल ही जवाहर लाल नहरू स्टेडियम दे विच जिहड़ा ये शो होवेगा और रोज़ 2 शो होणगे। मैं बाबा साहब की पूजा करता हूँ। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके जिस तरह से उन्होंने गरीब दलित लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ा और एक गरीब परिवार से निकल के वो देश के लॉ मिनिस्टर बने और देश का संविधान लिखा। दिसंबर के महीने में उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे हम एक बहुत बड़ा शो करेंगे, नाटक करेंगे, जनता को दिखाएंगे ताकि देश की सारी जनता जो है वो, दिल्ली की सारी जनता जो है वो उससे प्रेरित हो सके। ये नाटक 5 जनवरी से शुरू होने वाला था लेकिन उसके बाद ओमिक्रोन कोरोना की वेव की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। आज मैं आपके समक्ष ये खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि ये दोबारा 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 25 फरवरी से 12 मार्च तक ये डेली जवाहरलाल स्टेडियम में परफॉर्म किया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा शो होगा, सबसे बड़ा नाटक होगा। डेली 2 शो होंगे, 1 4 बजे 1 7 बजे। ये जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त है लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए आपको पहले से अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी हर शो के लिए। यहां पे टिकट बुक करने के लिए आप इस नंबर पे डायल कर सकते हैं 8800009938, 88 4x0 99 38, या आप लॉग ऑन कर सकते हैं बाबा साहेब musical.in पे और अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का रोल इसमें रोनित बोस रॉय, जो कि एक काफी जाने माने कलाकार हैं, उन्होंने इसका अदा किया है। ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट वो है, शो है, जिसमें 100 फुट बड़ा स्टेज है, 100 फुट बड़ा स्टेज और 40 फुट का रिवॉल्विंग स्टेज है उसके ऊपर, तो बहुत बड़ा शो है ये। मैं समझता हूं कि शायद पूरी दुनिया के अंदर इस स्केल का शो पहली बार किया जा रहा है, तो मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका आप आए, इसका आनंद उठाएं और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लें। बहुत सो अदाकार करमजीत अनमोल जो अज भगवंत मान के हक के चोण प्रचार करते हुए भी नज़र आए, उस दे नाल इंडिया न्यूज़ पंजाब ने जिहड़ी आ खास गलबात की हैगी, दस दिए कि अज जो आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे ने भगवंत मान उन्होंने हक के करमजीत अनमोल ने जिहड़ा वो चोण प्रचार भी किया हैगा, की कुछ किया वह भी तुहानू सुना दिंदे आ। विधानसभा चोणों का बिगल बज चुकया, आम आदमी पार्टी वालों भगवंत मान सीएम कैंडीडेट भी ने, धूरी विधानसभा तो एज ए MLA चोण भी लड़ रहे हैं, उन्होंने जुंडी के यार करमजीत अनमोल साढ़े नाल गलबात करा। अनमोल भाई सब तो पहले इंडिया न्यूज़ से स्वागत है। थैंक यू जी। जी अनमोल, जदों पहली बार भगवंत को मिले हो, किवें मिलन होया? कहिंदे हुंदे कि पहला प्रभाव तो लास्ट प्रभाव किवें दा रहा? क्योंकि मेरा कॉलेज के पूरी चढ़ाई हो गई सी, तो भगवंत मान मैनू आके मिले, कहते यार मैं तेरे गीत सुनना बड़ा वधिया, मैं भी कमेडी करदा। अच्छा। भी हुण जदों भी कोई कंपीटीशन होया तां मैनूं दसी। वो 15 मिंट की साडी मुलाकात है, इदां लग्गिया सानूं 15 मिंट की मुलाकात दे विच भी असीं पता नहीं किन्ने क युगां तों मिले हुए हैं। अच्छा। तो फिर असीं कंपीटीशन कट्ठिआं ने लड़े, फिर मेरा ख्याल भी पंजाब के अद्धे कॉलेजेस दे विच जाके असीं कंपीटीशन लड़े और अज तक प्रिंसीपल साहब के कमरे च साडियां जितियां ट्राफियां पईआं ने जी। सलाम करमजीत, कई बार ये होंगे कि दोस्त दिया ना गल्लां बातों पता लग जाता भी वड्डा हो गांह जाके बनूगी। हाँ जी, लगता सी भगवंत दी गल्लां तो भी वड्डा हो गया यार लीडर बनना है। नहीं बिल्कुल जी, मैं तो पहले ही कहता सीगा। अच्छा। कि भी मित्रा एक दिन वड्डा लीडर बनेगा तो वह बन गया। बड़िया खट्टिया मिठिया यादा जुड़िया हुई ने, थोड़ी बड़ी वीडियो वायरल होंगी सी तेल वाली, पूरा वाक्य है कि जरूर साझा करो। देखो जी, गल ये है कि
बहुत पॉलिटिशियन बहुत पैसा बनाउंदे ने पर इन्होंने अपना पंजाब दे लेखे लाता जीवन क्योंकि एक तनखाह दे नाल इन्ना भज नठ करनी ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਲਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦੋ ਬੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਿੱਤਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ